दोस्तों आपको जैसे पता है इस बार की बेंगोल ग्लोबल बिजनेस समिट में एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ है बेंगोल में। इसमें अदानी ग्रुप अकेले ही 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले कुछ सालों में, जहां पे काफी नौकरी मिलने वाला है यहां के लोगों को। और इस समिट में ही इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि काफी दिनों से न्यूज में था। एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी कोशिश ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड बहुत ही जल्द अपना इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगोल में खोलने जा रहा है। मुर्शिदाबाद के रेजीनगर इंडस्ट्रियल पार्क में 50 से 100 एकड़ लैंड के ऊपर इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाया जाएगा। इसके रिलेटेड एक MOU स्टेट गवर्नमेंट के साथ साइन हो चुका है। कंपनी की प्लान के अनुसार 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा, जहाँ पे सालाना करीब 1,500 इलेक्ट्रिक बसेस प्रोड्यूस किया जाएगा एज पर डिमांड। माना जा रहा है कि फरवरी 2023 के अंदर यहाँ से पहला इलेक्ट्रिक बस को रोल आउट किया जाएगा। अगले मंथ से ही प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। रेजीनगर इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट को बनाने का और एक सुविधा है कि रिवर लाइन को एक्सेस कर पाना, जहाँ से नेसेसरी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को लाया जा सके। अगर कंपनी की फ्यूचर प्लान की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस ही नहीं, यहाँ पे 3-व्हीलर्स एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का प्रोडक्शन भी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई हजार लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है। अगर बात करें बेंगोल एंड कोलकाता की, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फिरहाद हकीम ने कहा है कि 2030 तक कोलकाता में चलने वाले सारे बसेस को यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस में रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ बेंगोल, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद चाहती है कि इन इलेक्ट्रिक बसेस को बाहर से इम्पोर्ट ना करके स्टेट के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाए एंड एज पर द डिमांड उसे फुलफिल किया जाए। इसलिए रेजीनगर में ई बसेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। दोस्तों आपको पता है कोलकाता ट्रांसपोर्ट को हाल ही में इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज मिला है UN के तरफ से। यूनेस्को की तरफ से क्लाइमेट चेंज 2022 के एक रिपोर्ट में कोलकाता के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तारीफ किया गया है। दुनिया के कुछ गिने चुने शहर को ही इस लिस्ट पर जगह मिला है। इंडिया में अकेले कोलकाता को यहाँ पे शामिल किया गया है। बाकी देश और दुनिया को कोलकाता को फॉलो करते हुए कहा गया, कोलकाता में सेवरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। यहाँ पे ट्राम्स, ऑटोस, फेरी सर्विस, मेट्रो, सबर्बन रेलवे सिस्टम, गवर्नमेंट एंड पब्लिक बसेस, ई रिक्शा जैसे काफी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जहाँ से लगातार लोग ट्रैवल करते हैं। इस वजह से प्राइवेट कार्स कम चलती हैं, इससे काफी पॉल्यूशन रिडक्शन होती है और ग्रीन हाउस एंड इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काफी काम किया गया है। इसलिए कोलकाता ट्रांसपोर्ट को पूरी दुनिया में पहचाना गया है एंड नो डाउट इस ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बाद ये तस्वीर और ज्यादा पॉजिटिवली बदल जाएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।